इनका भाई अनियन फ्राई जो है ना बहुत ज़्यादा मशहूर है, और ये रेस्टोरेंट भी जो है काफ़ी ज़्यादा पुराना है। अच्छा, अभी आप क्या बता रहे थे, ये अनियन फ्राई जो है राजस्थानी है? राजस्थानी है। अच्छा, फ्राई जो, अच्छा ये उनसे चली आ रही है, राजस्थान से चलती हुई आ रही है। अच्छा, कितना टाइम हो चुका है नजीर रेस्टोरेंट को? 1960 से। चपाती बिल्कुल इतनी सी है, छोटी सी, इसको मैं ट्राई करूँगा सबसे पहले। बहुत ज़्यादा। वैसे काठियावाड़ी कहाँ के, कहाँ से स्टार्ट हुए थे? कितना? कराची से स्टार्ट हुए थे। अच्छा, एकदम गरम गरम, और इसका टेस्ट जो है ना खट्टे भी लग रहे हैं थोड़े से, या मीठे मीठे, अजीब से टेस्ट है इसका थोड़ा। अच्छा, इनके केक्स और पेस्ट्रीज वगैरह वैसे ही होती हैं जैसे बॉम्बे बेकरी की होती है ना। इसको मैं ट्राई करूँगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेम वही वाला टेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू, मेरा नाम है शीश वाली, अभी मैं फिर से मौजूद हूँ हैदराबाद में। आज जो है हैदराबाद के बड़े कोई मज़ेदार किस्म के खाने खाने वाले हैं हम लोग। अभी मैं मौजूद हूँ सरफराज कॉलोनी और पठान कॉलोनी के बीच में है नज़ीर रेस्टोरेंट। इनका भाई अनियन फ्राई जो है ना बहुत ज़्यादा मशहूर है, और ये रेस्टोरेंट भी जो है काफ़ी ज़्यादा पुराना है। तो मुझे कमेंट में लोगों ने कहा था कि भाई नज़ीर रेस्टोरेंट पे अनियन फ्राई मिलता है, आप जाके ट्राई करें। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, अभी हम लोग आगे भी चलेंगे, आगे भी बड़े मज़ेदार किस्म की चीज़ें खाने वाले हैं। एक भाई काठियावाड़ी छोले मिलते हैं, वो हम लोग ट्राई करेंगे, और पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ चलते हैं, इनका अनियन फ्राई ट्राई करते हैं। कुछ लोग इसको ग्रीन कढ़ाई बोलते हैं, कुछ लोग इसको ब्लैक पेपर वाली कढ़ाई बोलते हैं, हम लोग इसको कहेंगे अनियन फ्राई, क्योंकि इसको ज़्यादातर जो है इसको अनियन फ्राई कहते हैं। अभी उनके पास चलते हैं, अनियन फ्राई ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसी है। ये बताएं वकास भाई, कितना टाइम हो चुका है नज़ीर रेस्टोरेंट को? 1960 से। और 1960 से आप लगाएं, काफ़ी टाइम हो चुका है। अच्छा, कौन सी जनरेशन चल रही है? थर्ड जनरेशन चल रही है। और पहले कहाँ था वैसे नज़ीर रेस्टोरेंट? पहले राजसेनवा में हुआ करता था। राजसेनवा हैदराबाद का एक मशहूर इलाका है बहुत, क्योंकि राजसेनवा हुआ करता था तो वहाँ पर प्याज वाली कढ़ाई बड़ी मशहूर। अच्छा, प्याज वाली कढ़ाई। और आज मैं आपकी वैसे आया हूँ प्याज वाली कढ़ाई खाने, क्योंकि मुझे कमेंट में लोग बता रहे थे नज़ीर रेस्टोरेंट में प्याज वाली कढ़ाई जो है वो मशहूर है, तो उसका जायका चखने आज मैं आया हूँ। तो ये बताएं क्या हिसाब है प्याज वाली कढ़ाई? प्याज वाली फुल चिकन जो है 1700 रुपये की है, हाफ चिकन 850। वैसे स्पेशलिटी क्या है आपकी? स्पेशलिटी ये है, ये है भाई इनकी स्पेशलिटी अनियन फ्राई। ठीक है, यही अब आज हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, अभी जो है हम लोग नज़ीर रेस्टोरेंट के किचन में आ चुके हैं, और यहाँ पे जो है भाई काफ़ी सारी चीज़ें बन रही हैं। ये अभी क्या बना रहे हैं आप? ये मटन की क्या हिसाब है? ये 400 रुपये किलो। 400 रुपये किलो है प्लेट? कितने? अच्छा, 400 रुपये प्लेट। अच्छा, ये देखिए भाई, ये बन रहा है फ्राई पैन वाला कीमा। कौन सा कीमा खिलाता है? कीमा नहीं, मटन कीमा खिलाता है। फ्राई? अच्छा, मटन कीमा फ्राई खिलाता है। और ये क्या है? ये भी मटन कीमा है। ये चिकन कौन सी? प्याज वाली? प्याज वाली। नज़ीर रेस्टोरेंट की मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ, ये अलरहीम रोड है। ठीक है, अलरहीम रोड से आप सीधा आएंगे तो यहाँ, अगर आप सीधे जाएंगे तो पठान कॉलोनी आ जाएगा, और अगर आप ऐसे चले आएंगे तो ये आ जाएगा सरफराज कॉलोनी। लेकिन आपको आना है यहाँ पे नज़ीर रेस्टोरेंट पे। रात में क्या बना रहे हैं अभी यहाँ पे आप? खटाखट बना रहे हैं। इनका खटाखट बनाने का अंदाज जो है बहुत अलग सा है। पहले ये जो क्या कहते हैं इसको, लकड़ी को, ये किडनी है, हाँ कपूर है। अच्छा, और ये मटन कीमा है। इसको सबसे पहले ये जो भी कहलाता है तवा है, क्या है, इसको सबसे पहले इसके ऊपर जो है खटाखट करेंगे। ठीक है, ये गुर्दे आ गए, ये बकरे के गुर्दे हैं। ठीक है, और वो भी बकरे का ही है। ठीक है, अब इसको जो है कीमा बनेगा। ठीक है, अच्छा, एक खटाखट बनता है वो ऐसे तवे पे टकटक टकटक करके, लेकिन ये पहले इसको कीमा। अच्छा, इनका जो तरीका है वो ऐसा स्टाइल चेंज है। इनके पास ना वो तवा वगैरह कुछ भी आपको मिलेगा नहीं, इनका अलग सा स्टाइल है। पहले उन्होंने गुर्दे लिए, उसका पहले कीमा टाइप करेंगे, फिर उसको बकरे के कीमे में मिक्स करेंगे, और ये तैयार हो गया। कितने का ये? 950 रुपये। 950 रुपये का। कितनी प्लेट? हाफ प्लेट। टू पर्सन के लिए होता है? टू पर्सन के लिए। अच्छा भाई, 2% जो है वो आराम से खा सकते हैं। ये देखिए, और इसमें लास्ट में जो है बकरे का पूरा ब्रेन डलेगा। अच्छा, ब्रेन भी डलेगा? जी जी। अच्छा, ये टोटली जितनी भी चीज़ है ये सिर्फ। अच्छा, ये देखिए आप, इसके ऊपर टमाटर आ गए। ठीक है भाई, और ये आ गए इसके ऊपर प्याज। ठीक है भाई, अब क्या, ये मसालों के सेक्शन में आ चुका है। ये क्या चीज़ है? दही है। अच्छा भाई, इनकी येलो कलर किस्म की कोई दही है। अब ये कुछ मसाले आ चुके हैं, ये कोई मसाला इनका सीक्रेट। ठीक है, अब इसके बाद ये दूसरा मसाला, अब ये नमक आ गया। ठीक है भाई, इसके बाद ये लाल मिर्च आ गई,
ये हरी मिर्च आ गई, इसके सारे इनके बाद 6-7 मसाले ये हैं, अब इसके बाद ये उधर से आएगा। अच्छा अभी आप क्या बता रहे थे, ये अनियन फ्राई जो है राजस्थानी है? राजस्थानी है। अच्छा फ्राई जो, अच्छा ये वहीं से चली आ रही, राजस्थान से चलती हुई आ रही है। अच्छा अच्छा, वैसे राजस्थान के जायके में इसमें फ़र्क है? नहीं वो एक ही, वही आप लोग वैसे राजस्थान के? हम राजस्थान। अच्छा राजस्थान के। अच्छा हमारे पास भाई अनियन फ्राई और ब्रेन फ्राई आ चुका है, ठीक है। मैं अनियन फ्राई ट्राई करने आया था, लेकिन मुझे इन्होंने रेकमेंड करा कि भाई आप जो है ब्रेन फ्राई भी ज़रूर ट्राई करें। सबसे पहले भाई इनकी चपाती अगर आप देखें तो इनकी चपाती बिल्कुल इतनी सी है, छोटी सी और बहुत प्यारी सी चपाती है। मुझे बिल्कुल एक अलग सी चपाती है, जैसे इंडिया में चपातियाँ मिलती वैसी है। और सबसे पहले मैं ट्राई करूँगा इससे, ये जो इनका ऑनियन फ्राई है, ठीक है भाई। सबसे पहले इनका मसाला अगर आप देखें, ऊपर से प्याज ही प्याज है। अच्छा कढ़ाई में आपको थोड़े टमाटर मसाले मिलते हैं ना, ये बिल्कुल प्याज में बना हुआ है, इसमें थोड़े मसाले हैं, प्याज है, बाकी ऊपर से इन्होंने ये धनिया डाला, ये अदरक डाला हुआ है, थोड़ा सा हरा धनिया डाला हुआ है। इसको मैं ट्राई करूँगा सबसे पहले ये प्याज से लगा के और थोड़ी चिकन लेके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ में इन्होंने जो है ग्रीन चिली की चटनी दी है साथ में, ये ट्राई करूँगा, ठीक है भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बिल्कुल एक अलग सा टेस्ट है। अच्छा ये इसमें प्याज डाली हुई, थोड़ा मीठा मीठा टेस्ट आ रहा है, और बाकी जो उन्होंने थोड़े अपने मसाले डाले उसका बड़ा मज़े का टेस्ट आ रहा है। वापस से मैं ट्राई करूँगा भाई, अनियन फ्राई है ना वो डायरेक्ट यहाँ जाके लगा रहा है, बहुत VIP यार, लेवल का है भाई। ये देखें इसकी प्राइस आपको सामने लिखे हुए आ रही होगी, और फुल गरम गरम हो रहा है, जायका तो इतना मज़ेदार है कि मैं वो क्या ही बताऊँ। ये चटनी है ना, आधे पैसे तो ये पूरे कर दिए, आधे पैसे इसका जायका और आधे पैसे ये, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़े से हम पहले ऊपर अदरक भी डाल देंगे, ये देखें, और हमारे बाइट जो है रेडी हो चुकी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भाई। बहुत आला उसका लेवल जो है यहाँ पे, बहुत मज़ा। अब मैं ट्राई करूँगा ये ब्रेन मसाला इनका, ठीक है, ये बकरे का ब्रेन है और इसको मैं ट्राई करता हूँ। ये रोटी, अच्छा इनकी चपाती यार इतनी मज़ेदार है, सॉफ्ट सी, और मुझे शायद ये लग रहा है कि आटे की चपाती है। वैसे आपको मैदे और आटे की मिक्स मिलती, पता नहीं शायद आधे आटे मिक्स शायद उसकी मिक्स होती। आपको जो है हम ये ब्रेन मसाला ट्राई करेंगे, ये देखें, ओए होए होए होए, बड़ा टाइट खुशबू आ रही है, बहुत टाइट लग रहा है। ये देखिए भाई ब्रेन मसाले का हमारा बाइट रेडी हो चुका है, चटनी भी लाएंगे थोड़ी सी हम इसमें, और इसको हम खाएंगे, बहुत ज़्यादा बिल्कुल इतना मलाई सा इसका ब्रेन है और बहुत मज़े का टेस्ट आ रहा है। अच्छा जो अनियन फ्राई है ना इसका और जो ब्रेन मसाला है थोड़ा सा ना 19-20 लग रहा है मेरा टेस्ट, क्योंकि इसमें भी कुछ मसाले ऐसे ही डले हुए हैं जैसे इसमें डले हैं। बाकी जो ऑनियन फ्राई है ना ये तो यार दिल पे ले गया है, दिल ही ले गया, मैंने दिल पे लगाया है खाना, बहुत VIP यार। अब भाई आपका भाई आ चुका है अल रहीम शॉपिंग सेंटर पे, हाजियानी अस्पताल के उनको बराबर में मिलते हैं भाई लाजवाब काठियावाड़ी छोले। अच्छा ये इसको छोला चाट भी आप कह सकते हैं, काठियावाड़ी छोले भी कह सकते हैं, बड़ा कोई मज़ेदार सा इनका सेटअप है। मतलब बड़ी बड़ी शॉपर्स में पापड़ियाँ रखी हुई हैं, एक साइड पे आलू रखे हुए हैं और एक साइड पे छोले जो हैं गरम गरम बन रहे हैं। तो हम लोग ट्राई करेंगे इनके काठियावाड़ी छोले, और साथ में ना ये ब्रेड भी देते हैं छोटी वाली जो पकौड़ों के साथ खाते ज़्यादातर, वो हम लोग ट्राई करेंगे छोलों के साथ। तो अभी चलते हैं इनके पास और पूछते हैं इनको कितना टाइम हो चुका है। अगर आपको खाने तो हाजियानी अस्पताल है, उसके बराबर में आपको मिलेंगे लाजवाब काठियावाड़ी छोला चाट के नाम से। तो अभी चलते हैं और टेस्ट करते हैं भाई। काठियावाड़ी छोले जो है बनना स्टार्ट हो गए हैं। सबसे पहले इन्होंने थोड़ा एक बाउल लिया, उसमें इन्होंने डाले आलू और ऊपर से डालेंगे काठियावाड़ी छोले, ठीक है भाई। ये चेक करें आप, खुशबू जो है बहुत टाइट आ रही है। अब इसमें इनके कुछ मसाले हैं, ठीक है, ये वैसे सीक्रेट मसाले हैं आपके? अच्छा ये इनके कुछ सीक्रेट मसाले हैं भाई, इन्होंने ये डाल दिए। और ये आ गई इनकी चटनी, ठीक, किसकी, इमली की चटनी है? इमली की चटनी है, ये धनिया, ये धनिया पुदीने की चटनी, इमली की चटनी है, ठीक है। ये प्याज आ गए ऊपर से, और ये चमचा आ गया। ये देखें भाई छोले जो है हमारे तैयार हो चुके हैं। अच्छा ब्रेड भी दिखा इसके साथ मुझे, वैसे ट्राई करूँगा ब्रेड के साथ कैसे हैं। ये देखें भाई, ये देखें ऊपर से डालेंगे भाई पापड़ी, ये देखें ये पापड़ी आ गई, ओए होए होए। ये देखें हमारे जो काठियावाड़ी छोड़े हैं वो रेडी हो चुके हैं। वैसे काठियावाड़ी कहाँ के, कहाँ से स्टार्ट हुए थे, कितने? कराची से स्टार्ट हुए थे। अच्छा हमारे पास भाई काठियावाड़ी छोले जो है वो आ चुके हैं, और मैं ट्राई करूँगा इसको ब्रेड के साथ भी ट्राई करते हैं, लेकिन अभी सबसे पहले जो है बगैर ब्रेड के ट्राई करेंगे हम लोग। ये देखें भाई ऊपर पापड़ी डाली हुई, नीचे छोले हैं, ठीक है, एक अलग से छोले हैं ऊपर, फिर उन्होंने मसाले डाले, प्याज डाली, और बड़े कोई अलग तरीके से इसको बनाया गया है, ठीक है। इसको मैं ट्राई करूँगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चेक करें आप, ओह एकदम गरम गरम, और इसका टेस्ट जो है ना
वो थोड़ा ऐसे खट्टे भी लग रहे हैं थोड़े से, मीठे मीठे अजीब से टेस्ट है इसका थोड़ा। और बाकी जो छोले हैं ना बहुत वीआईपी हैं, चेक करें आप। इसमें जो इन्होंने अलग से एक टेस्ट आ रहा है इसका, अगर आपने काठियावाड़ी छोले खाए हैं तो उसका बड़ा कोई मजे का टेस्ट होता है। और ये चेक करें आप, बहुत इन्होंने जो चटनियाँ डाली ना, सारे पैसे जो हैं वो पूरे कर दिए। नीचे चटनियाँ लगी डेली में, देखें अगर आप ये देखें भाई बहुत आला। अगर आप आ रहे हैं ना यहाँ पे तो हाजियाने अस्पताल के बिल्कुल बराबर में आपको मिलेंगे लाजवाब काठियावाड़ी छोले। ये छोले जो है ना आपने लाजमी ट्राई करने, बहुत आला। अब भाई मैं आ चुका हूँ हैदराबाद बेकरी पे, यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे पेस्ट्री। अच्छा, इनके केक्स और पेस्ट्रीज़ वगैरह वैसे ही होती हैं जैसे बॉम्बे बेकरी की होती है ना, आपको मतलब इनके केक्स और इनकी पेस्ट्रीज़ में बिल्कुल फ़र्क नज़र नहीं आएगा। जैसे बॉम्बे बेकरी का टेस्ट होता है वो बटर से बनती है, ये भी बटर से बनाते हैं। अगर आपको बॉम्बे बेकरी का केक नहीं मिल पाया क्योंकि वहाँ पे जो है टाइमिंग से मिलता है, ठीक है, बॉम्बे बेकरी जो है वो भी थोड़ा सा आगे है, अभी मैं कैंट में खड़ा हूँ, ठीक है। हैदराबाद बेकरी जो है वो गुल सेंटर के पास है, सिग्नल के पास। अगर आप गूगल मैप पे लिखेंगे तो गूगल मैप पे भी लोकेशन आपको मिल जाएगी। अलकुम कैसे हैं? अल्लाह करम सर, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या नाम आपका? नदीम। अच्छा ये बताएं नदीम गल के आपकी स्पेशलिटी कौन सी है पेस्ट्री की? पेस्ट्री की पेस्ट्री तो ऐसा हमारे तीन किस्म की होती है। अच्छा। पर अभी दो अवेलेबल है, कॉफ़ी और चॉकलेट। कॉफ़ी और चॉकलेट, वैसे कौन सी रिकमेंड कौन सी करेंगे? चॉकलेट। हमारे पास भी हैदराबाद बेकरी की चॉकलेट पेस्ट्री आ चुकी है और मैं इसको ट्राई करूँगा। मैंने सुना है कि हैदराबाद बेकरी का वैसे ही टेस्टी जैसे बॉम्बे बेकरी का, मतलब आप समझ लें 19-20 है। और मैंने पैकिंग वगैरह देखी और केक्स देखे शक्ल से, बिल्कुल वैसे ही इनके केक्स हैं, तो अब मैं इसको ट्राई करूँगा, ठीक है। अच्छा इसकी क्या प्राइस है? इसकी 100 रुपीज़ भाई, 100 रुपीज़ की पेस्ट्री है चॉकलेट वाली, इसको मैं ट्राई करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़बरदस्त, सेम वही वाला टेस्ट है जो बॉम्बे बेकरी का, मतलब आपको ज़्यादा फर्क लगेगा ही नहीं। और उसकी जो चॉकलेट है ना बहुत ज़बरदस्त है, केक जो है बिल्कुल सॉफ्ट है और एक बटरी बटरी टेस्ट आ रहा है और बहुत वीआईपी, बहुत आला। भाई हैदराबाद बेकरी की पेस्ट्री मैंने ट्राई करी और हम लोगों ने जो अनियन फ्राई था वो ट्राई किया, हम लोगों ने मगज़ ट्राई किया, हम लोगों ने काठियावाड़ी छोले की ट्राई करे, भाई सब जो था बहुत मज़ेदार था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल कर लिए सब्सक्राइब, मुझे इंस्टाग्राम टिकटॉक और फेसबुक पेज पर फॉलो कर लीजिएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम।